Hello guys, this is only your Aadi Upadhyay. Welcome to my YouTube channel Aadi Blogs. तो आज का जो प्लान था वो है नंदा देवी टेम्पल आने का. तो अभी मैं टेम्पल के परिसर पे ही हूँ और अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे और यहाँ मैं कैसे पहुँचा वो देखिए. उससे पहले साहब सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है. देखो ये ऐसा व्यू हिमाचल में भी दिखाई देता है, उत्तराखंड में भी दिखाई देता है. देखो क्योंकि हम है मिनी कश्मीर मुनस्यारी में और आज का प्रोग्राम है यहाँ पे एक टेंपल है उधर जाना है. तो आप नज़ारा देखो सामने कितना जबरदस्त है. एक फोटो तो बनती है यार. यहाँ पे हमारी होटल से करीब 8 किलोमीटर दूर है नंदा देवी टेम्पल. तो मुंसारी की मार्केट से काफी पहले रुके हुए थे लेकिन व्यू काफी जबरदस्त है. सामने का नजारा आप देख ही रहो पूरा पंचाचुली पीक्स. इधर भी बहुत सारी हिमालयन पीक्स. सामने का नज़ारा देखो. कल तो भाई साहब यहाँ पर काफ़ी हैं आप देखो. लेकिन जहाँ जहाँ पानी आया हुआ है वहाँ वहाँ ब्लैक आइस पूरी जमी हुई है. इस लाइन में पूरे होटल ही होटल हैं. कहीं होम स्टे हैं कहीं होटल हैं इसलिए होटलों का कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग तो थोड़ा शांति चाहिए होती है इसलिए मार्केट से ज़्यादा दूर रहे इसलिए ऊपर रहे. अगर आपको थोड़ा क्राउड पसंद है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है. ये पहुँच गया है मुंसारी 0 किलोमीटर. ठीक है ये रास्ता तो है काफ़ी स्लिपरी. आप देख रहे हो ये पूरे रास्ते में ब्लैक आइस जमी हुई है. तो यहाँ पर चलानी पड़ेगी गाड़ी बड़े संभाल के. कहीं कहीं पिघल गई है वहाँ पर से निकालते हैं. ये देखो तिब्बतन मास्टर जी सो रखे हैं सुस्त पड़े हैं. ये देखो सामने का व्यू बड़ा जबरदस्त है. कितना खूबसूरत नज़ारा है. जब यहाँ बर्फ गिरती होगी नीचे तक तो कितना मज़ा आता होगा देखने में. पूरा ग्रास लैंड है सामने पूरा. तो एंट्री के देने पड़े 20 रुपये क्योंकि इतना मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च होता है तो और देना भी ज़रूरी है. 20 रुपये एंट्री आपको देनी पड़ेगी मंदिर के उस पिछले गेट पे. पर पर्सन देना पड़ेगा. तो सामने है मंदिर. मंदिर के परिसर से पंचाचुरी पीक्स का नज़ारा कुछ ऐसा है. बिल्कुल आप देखोगे कि कहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है और बिल्कुल ऊपर टॉप में बहुत वो सबसे ऊंची वाली पीक देखो आप बहुत शानदार लग रही है. और ऐसा है यहाँ का पूरा चारों ओर का व्यू. वो ऊपर उधर कहीं पे कालामुनि है वो भी एक डेस्टिनेशन है रोड के किनारे ही है और एक तामरी लेक है. और ये हो गया नंदा देवी टेम्पल. और वो ऊपर जो टॉप आपको दिखाई दे रहा है वह है खलियाटॉप. तो यहाँ पे आपके जो डेस्टिनेशन हो गए घूमने के मुंसारी में फर्स्ट हो गया आपका कालामुनि, सेकंड में आ गया आपका तामरी लेक, थर्ड पे आपका खलियाटॉप जहाँ के लिए 8 किलोमीटर ट्रैक है उसका वीडियो आप देख लेना डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा या लास्ट में आ जाएगा. और फोर्थ नंबर पे आ गया है नंदा देवी टेम्पल. मतलब आप कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं आप कहीं भी पहले आए लेकिन वो आपका कालामुनि रोड के साइड पे ही है तो आप जैसे ही मुंसारी में इंटर करोगे वैसे ही आपको कालामुनि हो जाएगा. और इस साइड नीचे कहीं दरकोट और मदकोट गाँव है जहाँ पर कालीन और दम वगैरह बनते हैं आप वहाँ भी आ सकते हैं. और नीचे कहीं पर है कोई स्प्रिंग वाटर का वो है स्रोत है स्प्रिंग वाटर निकलता है तो आप उधर भी जा सकते हो. पंचाचुली पांचों भाई पांडव व पांचाली सहित विराजमान है. यानी जो 6 पीक दिखाई देती हैं उसमें से 5 पांडव हैं और 1 द्रौपदी जी हैं. मुंसारी आगमन पर पंचाचुली पर्वत, छिपलाकोट पर्वत, राजरंभा पर्वत,
हस्तलिंग पर्वत, कैलाश द्वार और बद्रीनाथ द्वार दर्शन होता है। माता के दरबार से स्वेच्छा पूर्ण विवाह की जाती है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहाँ आपको अच्छा लगे शेयर जरूर करना। और अगर आपको कुछ इसमें डिसलाइक लगता है तो आप उसके लिए भी मतलब नॉर्मल वे पे आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई आपको सुझाव देने तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे ब्लॉग में थोड़ी कुछ कमी रह चुकी हो, तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आपसे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।